स्वागत आपका एक बार फिर मेरे चैनल हरि दर्शन विद बिलजीत में। और आज मैं इंटरनेशनल पुलिस म्यूजियम को विजिट करने के लिए आया हूँ। 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो सोचा क्यों ना पुलिस म्यूजियम को विजिट किया जाए। और आज हम जानेंगे कि हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए किस किस डिपार्टमेंट का योगदान रहता है। तो यहाँ से देख सकते हैं, ये है जो भी हमारे शहीद जवान हैं उनके यहाँ पे पूरे दीवारों पे नाम लिखे गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी आप एंटर होके आएंगे तो सबसे पहले यहीं से निकलेंगे आप, देख सकते हैं। तो चलते हैं यहां से अंदर। भारत की राजधानी दिल्ली में वैसे तो कई संग्रहालय हैं, लेकिन आज मैं जिसके बारे में बताने जा रहा हूं यह थोड़ा सा संग्रहालय अलग है। इस संग्रहालय का नाम नेशनल पुलिस म्यूजियम है, जो भारत के केंद्रीय और राज्य पुलिस को समर्पित है। इस म्यूजियम में आपको भारत के बहादुर पुलिस कर्मियों को और शौर्य को देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर भारत के केंद्रीय पुलिस और राज्य पुलिस के इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। तो आइए आज विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। तो यहीं से चलते हैं अंदर। ये देखिए, यहीं से एंटर होते ही सबसे पहले मैंने यहाँ से एक पुलिस ऑफिसर से इस म्यूजियम के बारे में सब कुछ जाना, कैसे कैसे इसको बनाया गया और कैसे कैसे इसको मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे एक पुलिस कर्मी था, तो मैंने उससे बात करके यहाँ से उसकी जानकारी ली। यहाँ पे देख सकते हैं और कैसे इसको बनाया गया, देख ही सकते हैं, सामने देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैं हर चीज की आपको एक डिटेल में बताऊंगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिसिंग एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ये देखिए, और यही है सामने द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया। बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया गया है इसको। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्पेशली क्लिप लिया और ये देखिए कैसे हमारे आर्मी लोग प्रैक्टिस करते हुए। यहाँ पे ये देख सकते हैं, जो भी आजादी से लेकर के अभी तक जो भी हमारे हथियार यूज हुए हैं या होते हैं उनको यहाँ पे दिखाया गया है। जो भी AK-47 या कोई भी राइफल शो सब दिखाई गई है, एक एक चीज को यहाँ पे देख सकते हैं सामने। और यहाँ पे ये सारे वेपन्स के नाम लिखे गए हैं, यहाँ पे जान सकते हैं, पोस्ट करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कौन कौन से राफल यूज हुए थे या होते हैं। यही सामने ही जो भी हमारी पुलिस कर्मी की पोस्ट होती है, ऊपर DGP से लेकर नीचे कांस्टेबल तक, यहाँ पे सामने दर्शाई गई है। बड़े खूबसूरती के साथ इस चीजों को दर्शाया गया। और सामने ये देख सकते हैं, ये है सबसे पहले DGP, सबसे पहला रैंक होता है DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सामने देख सकते हैं ये। और उसके बाद आता है IGP रैंक, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पीछे साइन दिखाए गए इनके। और उसके बाद आता है, ये है तीसरे नंबर पे DIG रैंक, ड्यूटी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल। और उसके बाद आता है SP रैंक, SSP सीनियर कमांडर। और ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये सरदार जी को दिखाया गया है, जो DSP डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ACP असिस्टेंट कमिश्नर। और उसके बाद आता है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। और उसके बाद आता है सब इंस्पेक्टर, SI जिसको हम कहते हैं। और उसके साथ आता है ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट। फिर आता है हेड कांस्टेबल, और लास्ट में आता है ये कांस्टेबल। तो ये सारे रैंक दिखाए गए जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हर चीज डिटेल के साथ दिखाई गई है, जो मुझे लगा कि आपको भी बताना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो यहाँ से देख सकते हैं 10 रैंक होते हैं ऊपर से नीचे तक, ये यहाँ पे दिखाए गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर, क्योंकि मुझे भी पहले पता नहीं था, तो यहाँ पे आके पता लगा कैसे कैसे उनके रैंक होते हैं और उनके साइन जो होते हैं देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी हमारे इंडिया की नेशनल फोर्सेस है, जितने भी ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस, और यहाँ पे हमारे को दिखाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है ऑल टाइप्स ऑफ, सारी नॉलेज मिलेगी आपको यहाँ पे। और अगर किसी बारे में स्पेशली जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे किसी पर भी क्लिक करेंगे तो उसके बारे में वीडियो आ जाएगा, वो इजीली आपको पूरी डिटेल यहाँ से आप जान सकते हैं। देखिए यहाँ पे वीडियो चल जाएगा। और यहाँ से ये देख सकते हैं बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, और इसी के साथ यहाँ पे पूरी डिटेल में इनके बारे में लिखा गया है। यहाँ पे आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, और यहाँ पे LCD भी लगाए गए हैं जिसको आप क्लिक करके पूरा वीडियो भी देख सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं वीडियो द्वारा। और सामने ये देख सकते हैं, ये है आर्मी, और हर चीज़ के बारे में डिटेल में दिखाया गया। और साथ में TV चलते रहते हैं ताकि आप अच्छे से इसको डिटेल में समझ पाएं। और सामने ये देख सकते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन फोर्सेस, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज,
जो होती है हमारी, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे देख सकते। और मैं ये बता दूं कि नेशनल पुलिस म्यूजियम नई दिल्ली में चाणक्यपुरी में स्थित है। इस म्यूजियम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्टूबर 2018 में किया गया था और इस म्यूजियम का उद्देश्य आजादी से लेकर अभी तक पुलिस के जवानों, बलिदान और राष्ट्र तथा इसकी अखंडता की सतत रक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को एक पहचान देता है। स्वतंत्रता से लेकर 31 अगस्त 2019 तक कुल 35,134 पुलिसकर्मियों ने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी। राज्य पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस बल के बहादुर सिपाहियों के नाम राष्ट्रीय पुलिस स्मारक, एक केंद्रीय शिल्पाकृति, एक संग्रहालय तथा शौर्य दीवार पर स्थापित है, जो मैंने आपको एंटर होते ही बताया था। यहाँ पे सारे नाम लिखे गए हैं जो भी हमारे बहादुर सिपाही कर्मी थे, उनके बाहर एंटर होते ही सामने आपको दीवार पे सब आपको नाम देखने को मिल जाएंगे। और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक के अंदर प्रवेश करने के बाद भारत के केंद्रीय पुलिस बल और राज्य पुलिस बल के बारे में स्टैचू बनाकर समझाया गया है। और इन सभी बलों की स्थापना कब हुई और वर्तमान में कितने बटालियन हैं, कितने जवान हैं, ये सभी जानकारी को यहाँ पर दर्शाया गया है। आजादी से लेकर के अब तक कुल हथियार इस्तेमाल किए गए वो सभी यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे कि मशीन गन, स्टेन गन, स्तूत बारबल राइफल, मीडियम मशीन गन, पिस्टल राइफल और हथियार यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पे हर चीज को दिखाया गया है, जहाँ पे आप आके देख सकते हैं कैसे कैसे हमारी देश की सुरक्षा के लिए कौन कौन से हमारे हथियार यूज होते हैं, यहाँ पे हर चीज को दिखाया गया है। और एक थिएटर भी बनाया गया है भारतीय पुलिस बल के बारे में और भी जानकारी देने के लिए। यहाँ पर थिएटर में भारतीय पुलिस बलों का शौर्य की गाथा को सुनाया जाता है और थिएटर में भारत के पुलिस कर्मियों द्वारा की गई ऑपरेशन, राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय बनने की प्रक्रिया, कहाँ से पत्थर लाया गया, कैसे बना, इस सभी बातों का थिएटर में दिखाया जाता है, जो बिल्कुल मुफ्त है। और राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय नई दिल्ली में चाणक्यपुरी में स्थित है, ये मैंने आपको बताया था। और इस संग्रहालय पहुंचने के लिए नजदीकी मेट्रो स्टेशन उद्योग भवन है और यह संग्रहालय सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है और नेशनल हॉलीडे के छोड़कर बाकी सभी दिनों में खुला रहता है। यह प्रवेश एंट्री बिल्कुल फ्री है, इसलिए यहाँ पे जरूर विजिट करें और यहाँ की जानकारी जरूर लें। तो यहीं से आगे चलते हैं हम, और यहीं पे एक कॉन्स्टेबल का स्टैचू बना हुआ था जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो एरिया, तो मैंने चल के एक फोटो वहां पे खिंचवा ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए इतना अच्छा स्टैचू बना है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रियल है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं पहले के टाइम में कैसे ये फोन यूज हुआ कर सकते हैं। तो ये देखिए, उस टाइम आपने ये शायद देखी होगी टोपी डाले हुए, बहुत पहले ये चला करती थी। तो मैंने यहाँ पे एक छोटे छोटे से क्लिप ले लिए और यहीं पे ये सामने देख सकते हैं, ये है खबरी कैसे ये इंफॉर्मेशनों को इकट्ठा करते हैं। ये देखिए नहीं, यहाँ पे कैसे दर्शाया गया है सामने, ये देख सकते हैं टीवी में भी दिखाया गया है पूरी डिटेल में, आप देख सकते हैं कैसे कैसे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, इनको कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये अक्षरधाम जब 2002 में अटैक हुआ था, तो यहाँ पे ये दिखाया गया पूरी डिटेल के साथ कैसे कैसे जो जो भी हुआ था, यहाँ पे पूरी डिटेल में इसको यहाँ पे समझाया गया और दिखाया गया है, देख ही सकते हैं। ये देखें, और यही है सामने देख सकते हैं, ये है लेडी आईपीएस ऑफिसर वंदना मलिक, ये है मणिपुर में सबसे पहले आईपी ऑफिसर बनी थी। तो यहाँ पे इसकी पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ पे देख ही सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ सामने ही अब आप देख पाएंगे जो हमारा मुंबई में, यहाँ पे ये देख सकते हैं 26/11 अटैक जो मुंबई में हुआ था आतंकवादियों के द्वारा, यहाँ पे ये वीडियो के द्वारा दर्शाया गया है, दिखाया जाता है। यहाँ पे कितनी बड़ी स्क्रीन है, यहाँ पे देख सकते हैं और बताया भी जा रहा है मुंबई टेरर अटैक ऑन 26/11। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, जब आप आएंगे तो सामने से देखेंगे किस तरह से यहाँ पे वीडियो में दिखाया जाता है कैसे कैसे अटैक हुआ था। यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, ये है गैलेंट्री अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स को दिखाया गया कैसे कैसे जो अवार्ड्स मिलते हैं इनको, वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं, दिखाए गए हैं, यहाँ पे इसकी डिटेल पढ़ी सकते हैं। माफी चाहूंगा कि वीडियो थोड़ा सा लंबा खिंच गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ देखने को और दिखाने के लिए था जिसको मैंने पूरी कोशिश की है कवर करने की। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी।
कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लूंगा, मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।